पंचकूला के जिलाधीश सारवान ने देखे स्टाफ को क्या दिए निर्देश। पंचकूला के जिलाधीश सुशील सारवान ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में फॉर्मल कपड़े और सही समय पर आने की दी हिदायत। कहा अपने कार्यालय में समय पर पहुंचे अधिकारी व कर्मचारी। आमजन को समयबद्ध तरीके से दें सरकारी योजनाओं का लाभ। एक सवाल के जवाब में उपायुक्त ने कहा कि वह खुद भी अनुशासन प्रिय हैं और अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों से भी अनुशासन में रहने की अपेक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि शालिंदा से कार्यालय में पब्लिक डीलिंग संबंधी कार्य करवाएं। सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को पहचान पत्र के साथ कार्यालय में आने के निर्देश दिए। अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यालय में ठीक 9 बजे तक पहुँचने के लिए कहा। जो 27 अगस्त को राजकीय कार्यक्रम होने जा रहा है पंचकूला में, अब किस तरह से रहेगा, कौन कौन लोग शिरकत करेंगे उसके बारे में? 27 अगस्त को दिन रविवार को सुबह 6 बजे राहगिरी का प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय श्री मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, व विशिष्ट अतिथि श्री ज्ञानचंद गुप्ता, स्पीकर विधानसभा व अन्य सभी अधिकारीगण व गणमान्य व्यक्ति रहेंगे। और साथ ही मैं पूरे के पूरे जिला वासियों से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वो सब भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। ये कार्यक्रम बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए है और इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्टॉल्स लगाई जाएंगी। मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया जाएगा, इसमें बाकायदा सांस्कृतिक समारोह भी होंगे, नगाड़ा पार्टी भी विशेष रूप से बुलाई गई है और जो फाजुलपुरिया हमारे सिंगर हैं वो भी इसके अंदर शिरकत करेंगे और अन्य कई भी कलाकारों के आने की हमारे पास कंफर्मेशन है। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। धन्यवाद। तो सर, आपने अभी ज्वाइन किया है पंचकूला में, तो कर्मचारियों के लिए कुछ बदलाव किए हैं आपने, जिस तरह से जींस अलाउड नहीं है, रणजी क्या क्या ऐसे? मैं शुरू से ही अनुशासन प्रिय रहा हूँ, खुद भी अनुशासन में रहता हूँ और चाहता हूँ कि अन्य अधिकारी कर्मचारी भी अनुशासन में रहें। मैंने उनको सिर्फ ये कहा है कि समय सीमा का ज़रूर ध्यान रखें और शालीनता से अपने फॉर्मल वेयर में ही आएं और पब्लिक के ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी काम को निपटाएं। हर मंगलवार को हम एक पेंडिंग रेफरेंसेस की मीटिंग किया करेंगे 4:30 बजे, तो पेंडिंग रेफरेंसेस जितने भी होंगे, कोई नहीं हो पाया है तो विशिष्ट तौर पे मैं खुद उसका अवलोकन करके अधिकारियों की जो मनमानी है उसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो आपको इम्प्रूवमेंट, विजिबल इम्प्रूवमेंट चंद ही दिनों में दिखाई देगी और यदि फिर भी कोई अधिकारी नहीं मानता है तो वील टेक एक्शन। सर, एक चीज़ है कि आम जनता को कैसे पता चलेगा कि ये अधिकारी है या ये आम जनता है? आम जनता वो मैंने आपसे जिक्र किया था अभी कि मैं सभी को आइडेंटिटी कार्ड पहनना अनिवार्य करने जा रहा हूँ। सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को मैंने हिदायत दे दी है कि अगले मंगलवार तक अपने सभी के आइडेंटिटी कार्ड बनवा लें और उसके बाद सभी अगले बुधवार से आइडेंटिटी कार्ड पहनें। पंचकूला को और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या नई योजना है सर? पंचकूला की जितनी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनाउंसमेंट्स हैं, बाकायदा जो और भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको पूरी लगन और ईमानदारी के साथ पूरा करवाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। आपने ये भी बात कही है कि जो पंचकूला शहर में फलों के पेड़ बच्चे हैं जी, उसमें हमने उसमें हमने ऐसा किया है, मैंने पहले जिले में भी किया था। हम आम तौर पर पंचकूला के स्कूलों के अंदर फलदार वृक्षों का पौधारोपण करवाएंगे और साथ ही बड़ी स्कूल के बच्चे, जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं, उनको रोल नंबर वाइज वो अलॉट कर देंगे ताकि उनके रख रखाव का वो देखें। और जब भी ज़रूरत पड़ती है, कुछ और होता है उनके रख रखाव की, तो हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग जाके उनको संभाल के आएगा, हिदायतें दे के आएगा। तो अवैध माइनिंग के सर कई मामले सामने आए पंचकूला में, अवैध माइनिंग स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का कोई भी अनैतिक कार्य, गैरकानूनी कार्य नहीं करने दिया जाएगा। सर, जैसे कि माइनिंग ऑफिसर को भी मामला संज्ञान में लाया गया था सर, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मेरे लैंडलाइन पे फोन करो, मुझे पर्सनल नंबर पे कॉल ना करें। सर, इसके भी लिए कुछ एक्शन? आई चेक दैट एंड आई टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। सर, आने वाले समय में त्योहारी सीजन है और फूड इंस्पेक्टर शहर में एक ही है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसके लिए हम टीम्स बना रहे हैं और बाकायदा खाद्य सामग्री और मिठाइयाँ जो हैं वो आपको उच्चतम गुणवत्ता की मिले, ऐसी मेरी प्राथमिकता। व्हाट्सएप जारी नंबर किया जाए। एक नशा भी पंचकूला में काफी समस्या है, उसको डी एडिक्शन के हम अलग से कैंप्स भी लगा रहे हैं और बकायदा इसमें जागरूकता अभियान चला रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। तो सर, आपने बीच ज्वाइन किया है पंचकूला में, तो कर्मचारियों के लिए कुछ बदलाव किए हैं आपने, जिस तरह से टीम्स अलाउड नहीं है, क्या क्या? मैं शुरू से ही अनुशासन प्रिय रहा हूँ,
खुद भी अनुशासन में रहता हूँ और चाहता हूँ कि अन्य अधिकारी कर्मचारी भी अनुशासन में रहें। मैंने उनको सिर्फ ये कहा कि समय सीमा का ज़रूर ध्यान रखें और शालीनता से अपने फॉर्मल वेयर में ही आएँ और पब्लिक के ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी काम को निपटाएँ। हर मंगलवार को हम एक पेंडिंग रेफरेंसेस की मीटिंग किया करेंगे 4:30 बजे, तो पेंडिंग रेफरेंसेस जितने भी होंगे वो नहीं हो पाया है तो विशेष तौर पर मैं खुद उसका अवलोकन करती हूँ। स्किल एजुकेशन का काफ़ी बहुत बड़ा रोल की बात चल रही है और पॉलिसी में कवर्ड है, तो आने वाले टाइम में जिला प्रशासन की ओर से हमारे जो मॉडल स्कूल हैं और अन्य कुछ स्कूल भी चिन्हित करके दोनों उपमंडल में दो दो स्कूल हम स्किल एजुकेशन का उसमें विशेष कोर्सेज रख पाएंगे। इसके लिए मैंने स्किल एजुकेशन जो हमारा मिशन है उनके भी एम पी से बात की। बूथ वगैरह भी आपके पास सारा आ गया है, तो मैं इसमें मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी ने तो आना ही आना है बल्कि अपने परिवार को लेके आना है जी। और आप देखेंगे कि पंचकूला के लिए बिल्कुल एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस रहेगा और मेरी आप सभी से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर राहगीरी में। स्किल एजुकेशन का काफ़ी बहुत बड़ा रोल की बात चल रही है और पॉलिसी में कवर्ड है, तो आने वाले टाइम में जिला प्रशासन की ओर से हमारे जो मॉडल स्कूल हैं और अन्य कुछ स्कूल भी चिन्हित करके दोनों उपमंडल में दो दो स्कूल हम स्किल एजुकेशन का उसमें विशेष कोर्सेज रख पाएंगे। इसके लिए मैंने स्किल एजुकेशन जो हमारा मिशन है उनके भी एम पी से बात की। बूथ वगैरह भी आपके पास सारा आ गया है, तो मैं इसमें मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी ने तो आना ही आना है बल्कि अपने परिवार को लेके आना है जी। और आप देखेंगे कि पंचकूला के लिए बिल्कुल एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस रहेगा और मेरी आप सभी से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर राहगीरी में। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।